हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है ना। और आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाइएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आते हैं एग्जाम में, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस और ये डेफिनेटली आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और थोड़े से आपको मेरी आवाज़ लो लग रही होगी क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है, और टेलीग्राम पर मैंने इन्फॉर्म किया ही था बच्चों को इस वजह से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ये 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो जो पूछे गए हैं वो यहाँ पर बताए जाएंगे। तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, ठीक है। आप लोग सिर्फ नज़र मारिए और इनके आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये पहले से ही आ रखे हैं 2020 में, 18 में, 22 में। तो इसलिए आपको ज़्यादा जो रिपीटेड है उनको रट लेना है, उनको पढ़ लेना है, समझ लेना है, जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, बट ये छोड़ने नहीं है, ओके। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है HBSC। देखिए ये क्वेश्चंस हो गए, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सारे। मैं जितना हो सकता है कम ही बोलूँगी क्योंकि थोड़ा खांसी वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है। ये देखिए आगे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे रिपीटेड है बेटा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, 15वां पद बताना है, 13वां पद बताना है, मतलब पद बताने वाले, टर्म्स बताने वाले, क्वेश्चंस, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर निकालने वाले, जो कि बहुत इजी होता है। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है इस तरीके से, ठीक है ना। इन चैप्टर्स को आप सीख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। नहीं भी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए, और नहीं तो कमेंट में बताइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे बात कर सकते हैं मुझसे, और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ये सारे शॉर्ट आंसर्स हैं और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है। देखिए ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट जो है वो दोबारा आ सकता है, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है। 1 मार्क्स के तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, और बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म निकाली है, डिफरेंस निकालना है, सार्व अंतर होता है, प्रथम पद होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ये देखिए 2022 में सेट ए में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, ये देखिए। ये आपको सिर्फ फॉर्मूले का क्वेश्चन आया हुआ था, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो उनको याद करिए। ये देखिए BSEH 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीटेड, 5वां पद याद करना था आपको, ठीक है, या 11वां पद याद करना है, तो एक ही फॉर्मूला है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा, A+N-1D ये करके, ठीक है ना। यू तो बहुत इजी है, एक बार समझ लेंगे तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म कौन सी, प्रथम पद कौन सा है, सार्व अंतर कौन सा, इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 2 और 4 मार्क्स वाले प्रश्न जो है, देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का रखा है, तो इस क्वेश्चन को बुक में निशान लगा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल हैं। ये सेम क्वेश्चन, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से डिविजिबल है, तो वो 6 के फैक्टर ही होंगे, तो वो निकालने हैं आपको। ये देखिए आगे 15 गुणजों का योग निकालना है, तो ये थोड़ा सा ब्लर है, ये आपकी बुक में सेम क्वेश्चन होगा बेटा, ये आप बुक से देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ओके। ये वाला भी सेम वही है, 150 है, क्यों -150, 1 पद जो है -150 है, तो वो क्यों है, रीज़न दे रहे हैं। ये देखिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन भी देखिए चारों सेट में आ रखा है 2022 में, तो क्वेश्चंस आपकी बुक के ही हैं सेम एज इट इज़, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम आ रखा है आप लोगों का, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सेम आ रखा है। उसके बाद में ये देखिए, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये देखिए सेम क्वेश्चन, तो डरना नहीं है, बहुत इजी स्टेप है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप इस चैप्टर को आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये देखिए 10th क्वेश्चन ये है, 1, 4, 7, 10 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 176 हो।
फिर उसके बाद ये वाले, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन और ये आ रखे हैं, तो आप इनमें से जितने कर सकते हैं वो कर लीजिए बेटा। ओके, बस लेंथ देख के आप लोग डर जाते हो कि बहुत बड़ा है, हमसे तो होगा ही नहीं। उसमें देखो उसके स्टेप कितने ईजी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी सेम आ रखा है, ए 12 इक्वल्स टू 37, डी की वैल्यू 3 है और ए तथा एस 12 निकाल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम, ये सारे आपके बुक में अवेलेबल हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, बट इसमें सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ताकि आप वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, बाकी सारों का एग्जाम में ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ चैप्टर फिनिश हुआ। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको सीखिए और कोशिश करिए कि इनको आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।